आज मैं आप लोगों को कामायनी के चिंता सर्ग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ। क्लास में हमारा चिंता सर्ग ऑलरेडी हाफ हो चुका है, तो हाफ है तो इसमें स्टार्टिंग में हमने क्लास में बोला था कि चिंता सर्ग में है क्या। चिंता सर्ग में मनु की कहानी है, जिसमें मनु जल प्लावन के कारण से पूरा संसार समाप्त हो जाता है, केवल मनु बचते हैं। तो मनु किस तरह से बचते हैं, उनको स्वप्न आता है कि वो मतलब एक विष्णु मतलब विष्णु का अवतार है, मत्स्य अवतार आते हैं और उनको कहते हैं कि जब जल प्लावन होगा तुम मेरी नौका रूपी भुजा को पकड़ लेना और इससे मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो ठीक वैसा ही होता है, जब बहुत बारिश होती है तो मतलब मनु मतलब पूरा संसार जल प्लावन हो जाता है। मनु किसी तरह से वो मत्स्य अवतार को पकड़ के बच जाता है और मत्स्य अवतार उसको हिमालय पर्वत पर हिमालय की चोटी पर ले जाते हैं। तो मनु मतलब हिमालय की चोटी पर बैठकर सोचते हैं कि हुआ क्या, मतलब क्या हुआ, किस तरह से ये पूरा संसार समाप्त हो गया, देवतागण मतलब किस तरह से समाप्त हो गए, मनु ये सोचते हैं। तो जब मनु धीरे धीरे सोचने लगते हैं तो मनु को ऐसा लगता है कि किस तरह से मतलब देवतागण भोग विलास में लिप्त थे, उनका बस एक ही मकसद था कि मतलब सुरा सुंदरी और भोग विलास करना। भविष्य में क्या है, क्या होगा, भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था, वे दूरदर्शी नहीं थे। तो इसी कारण से ये हुआ कि मतलब उनका पूरा संसार ही समाप्त हो गया। तो मनु चिंताग्रस्त होकर सोचते हैं कि किस तरह से देवता देवांगनाएं अपना जीवन व्यतीत करते थे, भोग विलास करते थे, नृत्य करते थे, सुगंधि लगाते थे। तो उनके जो सुगंधि थे वो इतने मतलब ज़्यादा आकर्षक थे कि सबको आकर्षित करती थी और बहुत दूर दूर तक हवा में फैल जाती थी। तो मनु मतलब देवताओं के भोग विलास के साथ साथ एक और कारण मानते हैं, पशु बलि को भी वे मतलब एक दूसरा कारण मानते हैं जिसके कारण मतलब ये संसार समाप्त हुआ है। तो देवतागण क्या करते थे, मतलब भोग विलास के साथ साथ पशु यज्ञ भी करते थे। पशु यज्ञ मतलब वे निरीह पशुओं का बलिदान देते थे। तो पशुओं का बलिदान देने से क्या होता था, ये जो संसार है या फिर जो प्राकृतिक ऊर्जा है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कुपित हो जाती है। कुपित होने के कारण मतलब वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मतलब दिखा दिया कि जो प्राकृतिक संपदा है उनको हमें कैसे बचाना है, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वे भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। तो इसी कारण से क्या हुआ, ये जो पूरा संसार है वो समाप्त हो गया, सिर्फ मनु बचे। जब मतलब स्वप्न में मत्स्य अवतार ने उनसे कहा था कि तुम मतलब मतलब नौका मतलब अपने साथ सभी जीव जंतु या वन औषधियों के या जितने भी मतलब प्राकृतिक संपदा जैसे जो भी है उन सब के एक एक जोड़ी अपने साथ लेना, बस वही मतलब बचे हुए थे। तो मनु बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं किस तरह मूसलाधार बारिश ने पूरा संसार समाप्त कर दिया। इसी तरह सोच सोच के एक मतलब ऐसा होता है कि मतलब मनु बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो यही मतलब यही सब होता है। तो एक मैं थोड़ा सा तुम लोग को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। तो इसमें क्या है, कामायनी की कथा का प्रारंभ जल प्रवाह की समाप्ति और मनु के मन में उत्पन्न चिंताओं से होता है। मनु हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हुए जल प्रवाह को देख रहे हैं। उनकी नौका पास ही एक वट वृक्ष से बंधी हुई है जिसे एक महामत्स्य के चपेटे ने वहां पहुंचा दिया था। मनु के मन में जल प्लावन में नष्ट हुई देव जाति का विलासपूर्ण एवं वैभवपूर्ण चित्र बार बार उभर आता है। वे सोचते हैं कि देव जाति कितने अपार बल वैभव और आनंद से भरी हुई थी, उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, किंतु उसकी विलासता और अहंकार ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवता सुर बालाओं के साथ अहर्निश नृत्य गान सुरापान और भोग विलास की क्रीड़ाओं में निमग्न रहते थे।
जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके सारे वैभव समाप्त हो गए, उनकी भोग लीलाएं सागर की लहरों में डूब कर रह गई और देवताओं को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। देव विनाश का दूसरा कारण मनु उनके पशु यज्ञों को मानते हैं। देवता पशु यज्ञों में निसंकोच भाव से निरीह पशुओं का बलिदान करने लगे, जिसके कारण प्राकृतिक शक्तियां कुपित हो गई। क्षितिज के चारों ओर विनाशकारी बादल उठने लगे, बिजलियां गिरने लगी और इतनी घोर वर्षा हुई कि समस्त पृथ्वी जल में डूब गई। मनु देवताओं के मिथ्या अहंकार दंभ और अतिशय विलास भावना को बार बार सोचते हैं और अपने मन में दुखी होते हैं। इसी बीच जल प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और प्रलय की घोर रात्रि के स्थान पर प्रभात की सुनहरी छटा दिखाई देने लगती है। तो मूल बातें यही है चिंता सर्ग में कि मतलब मनु सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, फिर देवता जो संसार है देवताओं का संसार वो कैसे विनाश हुआ। उसकी मुख्य दो बातें थी, एक थी उनका भोग विलास और दूसरा कारण था पशु बलि। तो इसी कारण से मतलब उनका पूरा संसार समाप्त हो गया, सिर्फ मनु ही अकेले बचे थे। तो धीरे 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 ऐसे सोचते अंत में ये होता है कि मतलब वो चिंता धीरे धीरे उनका कम होने लगता है और धीरे धीरे प्रभात होने लगता है, मतलब एक आशा की किरण होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम दूसरे वीडियो में आशा सर्ग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।